अलैक्म डियर स्टूडेंट्स खैरियत से आप वेरीफिकेशंस ठीक ठीक समझ आ रही हैं हमने अब तक बेसिक जो अकाउंट बैलेंसेज हैं उनको तो सीख लिया कि किस तरह वेरीफाई करना है आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कुछ ऐसी चीज़ों को जो कि ऑडिट में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है प्रैक्टिकल ऑडिटिंग में और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हैं कंफर्मेशन लेटर्स इनफैक्ट होता यूं है कि हमने कुछ बाहर की दुनिया से कन्फर्मेशन लेनी होती है। रिगार्डिंग फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंसेस जिनमें के बैंक बैलेंसेस और डेटर्स के बैलेंसेस अहम हैं सो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि बैंक बैलेंसिस को किस तरह वेरीफाई किया जाए और डेटर्स के बैलेंसिस को किस तरह वेरीफाई किया जाए तो so सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा जी बैंक बैलेंसिस के बारे में बैंक बैलेंस के बारे में आपको एक बात जहन में रखना होगी गलत आम यह समझा जाता है कि बैंक बैलेंस का मतलब कि वी हैव अ डिपॉजिट बैलेंस विद द बैंक कि बैंक में हमारे पैसे पड़े हुए भाई बैंक बैलेंस हमारा कर्जे की सूरत में भी तो हो सकता है कि हमने बैंक से कर्ज लिया हुआ है वो भी तो एक बैलेंस है कि हमारी बुक्स में एक लाइबिलिटी नजर आ रही है बैंक ने हमसे वो पैसे रिसीव करने दैट इज आल्सो अ बैलेंस लिहाजा बैलेंस डजंट मीन के जी वी हैव अ डिपॉजिट विद द बैंक दैट कैन आल्सो बी एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस और रेगुलर लोन अकाउंट बैलेंस लिहाजा हम जब भी बैंक बैलेंस को वेरीफाई करने की बात करेंगे तो जहन में यह बात रखेंगे कि बैंक में हमारा डिपॉजिट बैलेंस भी हो सकता है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है ओवरड्राफ्ट की समझ है ना क्या होता है ओवरड्राफ्ट का मतलब कि हमने बैंक में जो पैसे रखे हुए थे वो जीरो लिमिट से भी नीचे हमने उनको विड्रॉ कर लिया यानी कि अब उल्टा हमारा बैंक पर एक कर्ज बन गया हुआ है कि हमने बैंक को कुछ पैसे वापस करने उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपको डिटेल से बता दिया था इसलिए अब ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है रनिंग फाइनेंस बैलेंस भी इसे कहते हैं अच्छा यहां पर चंद एक और छोटी छोटी बड़ी मामूली मामूली सी बातें वो भी जरा जहन में रख लीजिए कि बैंक में हमारे दो तरह के बुनियादी तौर पर अकाउंट होते हैं एक जिसे हम टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं और दूसरे जिन्हें हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं अब यहां पर हम जब बैंक बैलेंस को वेरीफाई करने की बात कर रहे होंगे तो हर तरह के अकाउंट की बात उसमें आ जाएगी टाइम डिपॉजिट्स जिसमें के कुछ वक्त के लिए हमने पैसे जमा करवाए हुए जिसे फिक्स डिपोजिट भी आमतौर पर कहते हैं कि हमने पांच साल के लिए एक साल के लिए छह माह के लिए कुछ मुद्दत के लिए पैसे बैंक में जमा करवाए हैं और उस मुद्दत तक बैंक से पैसे वापस नहीं मांगेंगे टाइम डिपॉजिट और कुछ होते हैं डिमांड डिपॉजिट कि हम जब चाहें बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं उनके लिए नॉर्मली करंट अकाउंट का लफज इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में करंट अकाउंट्स या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स भी उसके लिए इस्तेमाल होता है लफज पी एल एस शेयरिंग अकाउंट ये वो अकाउंट्स हैं जिनमें के हम पैसे जब रखवाते हैं बैंक में तो किसी भी वक्त उनसे हम विड्रॉ कर सकते हैं पैसे निकलवा सकते हैं डिमांड कर सकते हैं लिहाजा हम इनको डिमांड डिपोजिट कहते हैं बैंक बैलेंसेस की वेरिफिकेशन में हर तरह के डिपॉजिट आ जाएंगे हर तरह के अकाउंट आ जाएंगे विच वी हैव मेंटेन्ड विद द बैंक सो हम बातचीत शुरू करते हैं कि बैंक बैलेंस को किस तरह से वेरीफाई करना इसमें हम चंद पॉइंट्स जो हैं उनको कंसिडर करेंगे जिनमें सबसे पहला पॉइंट है कि एग्री द बैलेंसिस विद द बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट अच्छा जी बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट के साथ बैलेंसेस का एग्री होना जरूरी है यहाँ पर एक छोटी सी बात मजीद सुन लीजिए और समझ लीजिए कि जब हम कहते हैं बैंक बुक तो ये बैंक बुक या कैश बुक या लेजर अकाउंट मेंटेन इन द मेन लेजर एक ही बात बिकॉज ऑल दीज बुक्स आर मेंटेन बाय द अकाउंटेंट ऑफ द एंटिटी बैंक बुक कह लें इसका मतलब क्या है इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ओनली द ट्रांजेक्शन विद द बैंक आर रिकॉर्डेड कैश बुक कह लें कैश बुक जिसमें कि आपने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा हुआ है टू कॉलम कैश बुक थ्री कॉलम कैश बुक जिसमें कि कैश का कॉलम भी मेंटेन हो रहा है और बैंक का कॉलम भी मेंटेन हो रहा है वी आर कंसर्न विद द बैंक कॉलम ओवर हेयर और अगर आप बैंक लेजर अकाउंट की बात कर रहे हैं विच इज मेनटेन इन द मेन लेजर तो वो भी यही बात है भाई बैंक का टी अकाउंट जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट बैंक में पैसे जमा करवाए निकलवाए वगैरह वगैरह पोस्ट किए जाते हैं सो so, ये जो भी हम हम मींस बिजनेस जो भी वो बिजनेस मेंटेन कर रहा है बैंकिंग की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वो वाली किताब का बैलेंस मस्ट एग्री विद द बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट अब बैंक स्टेटमेंट क्या है ये इनफैक्ट जो बैंक ने उस बिजनेस का अकाउंट मेंटेन किया हुआ है अपनी बुक्स में उस का इमेज है उसका एक्सट्रैक्ट है उस अकाउंट को प्रिंट करके एक स्टेटमेंट की शक्ल में बैंक भेज देता है उस बिजनेस की तरफ कि जनाब आपका इतना बैलेंस है और ये आपकी मूवमेंट है ड्यूरिंग द ईयर इस बैंक बैलेंस के अंदर उसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट अब इन दोनों बैलेंसेस को एग्री करना चाहिए तो सबसे पहले तो जनाब ऑडिटर साहब ये देखेंगे कि क्या ये बैलेंसेस एग्री कर रहे हैं या नहीं नेक्स्ट बात आएगी कि केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट तो हम क्या करेंगे रिकंसिलेशन जो उस बैंक अकाउंट के साथ है उसको ऑबटेन करेंगे जनाब बैंक रिकंसिलेशन बताएं कि बनी कि नहीं बनी अच्छा इधर एक बड़ी मजे की बात है कि हम नॉर्मली तो ये समझते हैं कि अगर दोनों बैलेंसेस आपस में डिफरेंट होंगे तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी जबकि ऐसा नहीं है बैलेंसेस बराबर भी नजर आ रहे हो तब भी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है हमें तब भी बनाना चाहिए बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट क्यों समझ लीजिए बैलेंसेस दोनों बराबर उस सूरत में भी हो सकते हैं अगर कोई गलती मौजूद हो तो लाइक कैश बुक को मेंटेन करने में हमने डेबिट साइड पर भी एक गलती कर दी क्रेडिट साइड पर भी गलती कर दी बैलेंस तब भी हमारा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर आ गया ये मुमकिन है ना या इसको इस तरह से हम समझ लेते हैं कि हमने कुछ चेक्स इशू किए जो कि अनप्रेजेंटेड रहे अच्छा यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना आती है आप सीख चुके हैं बैंक रिकनसलेशन बनाना अब इस एजम्शन पर मैं आगे बातें कर रहा हूं आपके साथ अब अनप्रजेंटेड का आपको मालूम है तो हमने जितनी अमाउंट के अनप्रेजेंटेड चेक्स अपनी कैश बुक में इश्यू यानी कि कैश बुक की क्रेडिट साइड पर शो किए हुए हैं मैं ज्यूम करता हूं फिगर को दो हजार रुपए के हमारी कैश बुक में पेमेंट साइड पर इशू चेक्स नजर आ रहे हैं जो कि अभी तक बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं हुए बैंक स्टेटमेंट की किस साइड पर जाने चाहिए थे यस डेबिट साइड पर जाने चाहिए थे मैं दोबारा से बोल रहा हूँ अगर बैंक रिकन्सलेशन आपको थोड़ी सी फीकी फीकी है तो उसको आप जहन में ले आइए इस तमाम लेक्चर के दौरान इशूड चेक हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पर लिखे होते हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर नजर आना चाहिए अब बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर वो दो हजार के इशूड चेक तो नहीं नज़र आ रहे लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर हमें दो हजार रुपए का बैंक कमीशन नजर आ रहा है जो कि बैंक ने कुछ सर्विसेज दी हुई हैं जिसके अगेंस्ट उसने वो कमीशन काटा हुआ है अब बताओ बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस आपस में टैली कर रहा होगा या नहीं यस एग्जैक्टली टैली कर रहा होगा अब ये जो बैंक बैलेंसेस का आपस में टैली करना है इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है हमें यहां पर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है वो जो बैंक कमीशन है उस बैंक कमीशन को हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ उस बैंक कमीशन को हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर पेमेंट साइड पर एक कमीशन की वजह से बैंक बैलेंस कम हो रहा है हमारा और वो जो हमने चेक्स इश्यू किए क्रेडिट साइड को टैक्स शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट उसको वहां पर बैंक रिकंसलेशन के अंदर डेबिट इफेक्ट देंगे तब जाके हम कहेंगे कि के ठीक है जनाब अब हमारे यहाँ बैंक रिकंसाइल कर गया अब देखिए इतफाकन दोनों ही रीजंस ऑफ डिफ्रेंस बराबर अमाउंट के अगर हो जाए तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है आप एज एन ऑडिटर इस पॉइंट को जरूर नोटिस में लाएंगे मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर बैलेंसेस आपस में बराबर भी हों तो वहां पर उस बैलेंसेस के इंचार्ज जो के बैंक बैलेंसेस का इंचार्ज है उसको चाहिए कि वो बैंक को रिकनसाइल करने के लिए एक कागज का टुकड़ा जरूर तहरीर के तौर पर लिख के रख दे कि जी बैलेंसेस आपस में बराबर हैं मैंने इसको गो थ्रू किया कोई अनप्रेजेंटेड या अनकलेक्टेड चेक नहीं है इन दोनों बैलेंसेस के माबे और कोई ऐसा रिकॉर्ड जो कि बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हो वो हमारा कैशबुक में अनरिकॉर्डेड नहीं रह गया ऐसी इंफॉर्मेशन अनरिकॉर्डेड नहीं है जो कि हमने कैशबुक में रिकॉर्ड ना की हो लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रही हो उसको यह तहरीर जरूर लिख देना चाहिए यह बात मैं आपको कह रहा हूं उसकी वजह क्या है कि अब दोनों बैलेंसेस बराबर भी हैं तो ऑडिटर यह चीज चेक करेगा कि जनाब अगर बराबर भी हैं तो क्या इनमें कोई अनप्रेजेंटेड अनकलेक्टेड un चेक तो नहीं है सारी बात मैंने आपको बता दी कि इतफाक को इंसिडेंस क्या हो सकते हैं कि सेम एक ही तरह के अमाउंट के दो एरर्स मौजूद हो सकते हैं दो रीजंस ऑफ डिफरेंस मौजूद हो सकते हैं जिनके के ऑपोजिट इफेक्ट आ रहे हो जो कि आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हो जिसकी बिना पर दोनों बैलेंसेस बराबर नजर आ रहे हो बातें समझ आ रही हैं लिहाजा ऑडिटर लाजमन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मांगेगा उन रिस्पॉन्सिबल पर्सन से और जहां पर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं तो कम से कम उनकी एक तहरीर होना जरूरी है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं चेक दैट आउटस्टैंडिंग चैक्स विद द बैंक स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड अब ये एक बहुत अहम मरहला है आपने आउटस्टैंडिंग चेक्स आपको मालूम है ना अनप्रेजेंटेड चेक्स को कहते हैं वो वाले चेक्स आपने देखना है सबसेक्ट टू ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रहे हैं या नहीं क्योंकि इस मरतबा में तो नहीं अपीयर हुए ना आपने इशू किए हुए थे आपकी इस मरतबा की बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट મે اب આપને લખ دیے અનપ્રેઝન્ટેડ ચેક કે તોર પર અ વો જો બેંક રીકન્સિલેશન સ્ટેટમેન્ટ મે અનપ્રેઝન્ટેડ ચેક્સ નજર આ રહે હે ઉનકો આપને اگلے સાલ કી જો બેંક સ્ટેટમેન્ટસ હે ઉનમે તલાશ karna ki ye present ho gaye ab isse aap kya cheez check kar rahe hain इससे आप यह चीज चेक कर रहे हैं कि कोई बोगस चेक्स तो नहीं इशू किए हुए थे आपने जिन्होंने के बैंक रिकेशन सॉरी जिन्होंने के बैंक स्टेटमेंट में नजर ही नहीं आना था सिर्फ आपने इस साल को मैनेज करने के लिए वो चेक्स इशू कर दिए जी देखें हमने तो ये चेक्स के जरिए पेमेंट कर दी है फलाने को तो उस पेमेंट को आप देखेंगे सबसिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर क्या वो अल्टीमेटली प्रेजेंट हो चुके हैं वाकई बैंक की तरफ से पे हो चुके हैं इसका मतलब है कि वो बोगस चेक नहीं थे Next point देखते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ पीरियड अब ये भी उसी के लेवल की बात आ गई कि आप ई बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट जो इस बैलेंस डेट पर आपने बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाई है उसमें जो आपको अनकलेक्टेड चेक्स नजर आ रहे हैं क्या वो सब्सिकेंट बैंक स्टेटमेंट्स में कलेक्ट हो गए उनकी सब्सिकेंट बैंक स्टेटमेंट्स में क्रेडिट इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं इफ यस yes, तो इसका मतलब है कि वो जनाब वाकई जेन्यनली चेक आपके कैश बुक में डेबिट साइड पर लिखे गए थे और जेनुनली उनको हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था अदरवाइज देखें यहां पर भी एक फ्रॉड हो सकता है कि हमने अपने बैलेंसेस को मैनेज करने के लिए बोगस अकाउंटिंग एंट्री कैश बुक में डेबिट साइड पर लिख दी और चूंकि हमारी इस मरतबा की बैंक स्टेटमेंट में अपीयर नहीं हो रहा था उसको हमने बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट में अनकलेक्टेड चेक्स के नाम पर लिख दिया और हमने सेटिस्फाई करा दिया जनाब देखें जी हमने तो बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट बना दिया उसमें अनकुलेक्टेड चेक्स आपको नजर आ रहे हैं हमने आखिरी दिनों में बैंक में जमा करवाए थे इसलिए इस साल की बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपको वो राइट साइड पर अपीयर होते हुए नजर नहीं आ रहे आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है हम हमें जरा अगले महीने की ला कर दो ना बैंक स्टेटमेंट्स मंगवा कर दो अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाई हाँ भाई ये तो कलेक्ट होने चाहिए थे क्यों नहीं अभी तक हुए कलेक्ट अगर आपने जमा करवाए थे तो क्लियरिंग हाउस जो है वो तो तीन वर्किंग डेज के अंदर उसकी कलेक्शन दे देता है क्यों अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुए क्यों अभी तक वो क्लियर नहीं हुए कोई रोला है तो आप वहां से उस रोले को पकड़ लेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि करें सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट को फॉर डिसऑनर्ड चैक्स अब यह भी वही बात है कि आपके जो डिसऑनर्ड चैक्स हैं उनके लिए भी आपने देखना ये ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। होता क्या कि एक तो वो बात की ना जो मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताई कि आपने बोगस ट्रांजैक्शन अपनी कैशबुक की डेबिट साइड पर लिख दी और वो सब में नजर ही नहीं आ रही एक तो ये सिलसिला हो सकता है दूसरा ये सिलसिला भी हो सकता है आप अपने किसी डेटर से कहें कि जी हमें अभी बैलेंस को मेंटेन करना है आप एक चेक भेज दें हमें गलत ही बेशक वो चेक भेज दें वो चेक हमें भेज दें हम वो चेक बैंक में जमा करवाएंगे इतने दिनों में हमारी क्लोजिंग डेट गुजर जाएगी हमारी कैश बुक में अकाउंटिंग एंट्री डेबिट साइड पर आ जाएगी बैंक बैलेंस जरा बढ़ा रहा हमारी कैशबुक का नजर आ जाएगा उसको हम बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट में अनकलेक्टेड चेक के नाम पर दिखा देंगे और हम एक पेन स्लिप भी शो कर देंगे उसकी वाउचिंग के लिए अपने ऑडिटर को देखे पेन स्लिप मौजूद है हमने चेक जो है बैंक में जमा करवाए लेकिन दर हकीकत वो चेक एक बोगस चेक होगा और जब अगली बैंक स्टेटमेंट्स आएंगी क्योंकि पेन स्लिप ने तो इश्यू हो जाना उस पेन स्लिप पर तो स्टैंप बैंक की लगी हुई आ जानी है वो बहुत हो जाना कि ठीक है जनाब ये एविडेंस है कि चेक बैंक में जमा हुआ था लेकिन अगली ही बैंक स्टेटमेंट में वो चेक डिसऑनर्ड चेक के तौर पर नज़र आ जाएगा तो ऑडिटर को ये बात चाहिए कि वो अब अगली बैंक स्टेटमेंट को सिक्योरिटीनाइज करे कि क्या उसमें कोई डिसऑनर्ड चेक तो नहीं नज़र आ रहा अब अगर वो डिसऑनर्ड चेक नज़र आ रहा है तो फिर उसको वो मजीद डिटेल में लेकर जाएगा भाई ये डिसऑनर क्यों हुआ इसका मतलब है कि आपने ट्रांजेक्शन गलत बनवाई हुई थी वो डिसऑनर की रीजंस की तरफ जाएगा और वहाँ से फिर वो बात पकड़ी जाएगी फॉलो कर रहे हो ना आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट रिकंसाइलिंग आइटम ऑफ एन नेचर अब नेशन के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि तीन ही आइटम्स नजर आती हैं बुनियादी तौर पर एक अनप्रेजेंटेड चेक्स एक अनकलेक्टेड चेक्स और एक बैंक की मिस्टेक्स तो इनमें से अगर कोई अनयूजल आपको नजर आ रही है तो उसको फिर आप फर्दर स्क्रिटनाइज करेंगे कि वो क्यों इस किस्म की अन यूज रिकनसाइलिंग आइटम हमें बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट में नजर आ रही है जो कि नॉर्मली नहीं है क्योंकि हो सकता है ये रेंट पर बैलेंसेस को मैनेज करने के लिए वो रिकनसाइलिंग आइटम उसमें डाली जा रही है लिहाजा जहां पर भी कोई इस किस्म की अनयूजल आपको रिकनसाइलिंग आइटम नजर आएगी क्लोजिंग डेट्स पर क्योंकि हमने पहले भी एक मत पर जिक्र किया था कि क्लोजिंग डेट्स पर ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं क्योंकि अब अकाउंट को मैनेज करने की बात आ रही है तो जहां पर भी आप देखें कि अन है ये मैटर वहां पर आप फिर उसको प्रोप करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्वेस्टिगेट करें जितने भी आउटस्टैंडिंग स्टेल चेक है अभी आउटस्टैंडिंग स्टेल चेक्स क्या है स्टेल मीन जो बिल्कुल आउटडेटेड हो गए अब देखिए ना चेकअप स्टेल होता है सिक्स मंथ्स के गुजर जाने पर चेक स्टेल हो जाता है अब नाकारा हो जाता है वो चेक आपने जो चेक इश्यू किया हुआ है वो चेक अगर अभी तक आपके अकाउंट में से विद्रॉ नहीं किए गए पैसे उसके अगेंस्ट और छह महीने गुजर चुके हैं तो इसका मतलब स्टेल हो चुका है आप उसको रिवर्स कर देना चाहिए अपनी कैशबुक के अंदर तो उसको देखिए कि क्या स्टेल चेक्स रिवर्स हो चुके हैं या नहीं और अब सबसे अहम बात आ रही है जी बैंक बैलेंसेस को वेरीफाई करने के एतबार से कि ऑप्टेन डायरेक्ट बैंक कंफर्मेशन अब ये एक लेटर ऑडिटर की तरफ से बैंक को जाता है कि जनाब हमें आप कुछ मैटर्स कंफर्म करें लोंग विद द बैंक बैलेंस मेंटेन बाय आर क्लाइंट एज योअर कस्टमर इन द बैंक अब वो बैंक को ऑडिटर लेटर लिख रहा है उसके जवाब में बैंक ने कुछ सवालों के जवाब ऑडिटर को डायरेक्ट भेजने हैं अब दरमियान में आपका ऑडिट क्लाइंट नहीं है डायरेक्ट कंफर्मेशन लेटर है इसमें क्या मैटर्स मौजूद होते हैं देखिएगा नंबर वन कि हम कहते हैं फुल टाइटल ऑफ अकाउंट एंड कि कंप्लीट टाइटल बताएं उस अकाउंट का क्या है और उनके बैलेंसेस क्या है हमने अकाउंट नंबर उन्हें बता देना क्योंकि हो सकता है वो जो अकाउंट नंबर के साथ हमारे लेजर में जिसको हम ऑडिट कर रहे हैं जिन अकाउंट्स को उनमें जो अकाउंट मौजूद है उसका टाइटल कुछ और हो और बैलेंस इधर शो किया हो तो हम कहते हैं कंप्लीट टाइटल बताइए क्या ये टाइटल इसी बिजनेस के नाम से मेंटेन किया हुआ है या ये अकाउंट नंबर किसी और टाइटल का है और फिर उसका बैलेंस भी एग्जैक्ट हमें कंफर्म कीजिए कि यही बैलेंस है नेक्स्ट हम पूछते हैं उनसे कोई क्लोज अकाउंट तो नहीं है ड्यूरिंग द पीरियड इस अकाउंटिंग पीरियड में जो हमारे इस ऑडिट क्लाइंट ने आपके साथ मेंटेन किए हुए अकाउंट्स को क्लोज किया वो भी हमें बता दीजिए क्योंकि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई अकाउंट्स क्लोज किए हैं उनका बैलेंस क्लोजिंग डेट पर तो नहीं हमें मिल रहा होगा क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर को दो चार महीने पहले अकाउंट क्लोज कर दिया गया उसका बैलेंस तो नहीं मिल रहा क्या वो अकाउंट जो ड्यूरिंग द ईयर क्लोज किया उस अकाउंट्स में मौजूद उस बैंक अकाउंट में मौजूद तमाम ट्रांजेक्शन को अकॉर्डिंगली इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया गया हमारे ऑडिट क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया गया ये भी तो हमने चेक करना तो अगर हमें बैंक डायरेक्टली कंफर्म करते है, जनाब फलाना अकाउंट नंबर वो मेटेन बाय द क्लाइंट योर क्लाइंट जो कि हमारा भी कस्टमर था उसने मेंटेन किया हुआ था और दो महीने पहले उसको क्लोज कर लिया है तो उसके बारे में अब हम अपने ऑडिट क्लाइंट से कहेंगे कि जनाब उसकी कैश बुक किधर है उसका बैंक अकाउंट किधर है बताइए उसको हम वेरीफाई करें कि उसमें जो रिसीट्स पेमेंट्स हुई हैं और उसके जरिए से जो इनकम्स और एक्सपेंसिस हुए हैं और उसके जरिए से जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो प्रॉपरली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद हैं या नहीं लिहाजा जो क्लोज्ड अकाउंट्स होंगे उनके बारे में भी हम मालूम हासिल करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है जी के इंटरेस्ट चार्ज ज्यूरिंग पीरियड हम ये उनसे पूछते हैं कि जी इंटरेस्ट कितना चार्ज किया आपने? इसके बारे के मुताबिक वो तमाम का तमाम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो उस बैंक को हमने पे किया या बैंक ने जो काटा वो हमारे इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आ चुका हुआ है या नहीं ये चीज भी हमने वेरीफाई करनी है नेक्स्ट कम्स डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी एंड चार्जेस हम ये भी मालूम करना चाहते हैं कि हमारे ऑडिट क्लाइंट ने जो कर्जे ले रखे हैं जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है वो जिन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जिन एसेट्स के चार्ज के अगेंस्ट ले रखी हैं वो कौन कौन से हैं ताकि उनको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जा सके कि ये वाले एसेट्स जो हैं एनकम्बर्ड हैं इनके अगेंस्ट हमने कर्जे लिए हुए ये सिक्योरिटी के तौर पर रखवाए हुए एसेट्स हैं उनका डिस्क्लोजर फिर हमें देना होता है और आपको मालूम है कि डिस्क्लोजर्स के बारे में भी हमने सब्सटेंटिव टेस्ट लगाने होते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमारे डिस्क्लोजर्स के बारे में भी होते हैं अकाउंट बैलेंसेस के बारे में भी होते हैं और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में भी होते हैं याद है ना ये बात लिहाजा उन डिस्क्लोजर्स के रेफरेंस में भी हम फिर उनसे कन्फर्मेशन लेते हैं नेक्स्ट बात आती है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स हेल्थ के बारे में यानी कि वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहीं हुई हुई हैं उनके सर्टिफिकेट्स या उनके डॉक्यूमेंट्स अगर बैंक ने अपने पास रखे हुए हैं सिक्योरिटीज के लिए ही रखे हों तो उनके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए देखिए उनको भी बहरहाल ऑडिटर ने फिजिकली भी वेरीफाई करना होता है बात सूरतों में या आपको याद होगा कि ये बात भी पीछे हमारे ऑडिट प्रोसीजर में एक जगह गुजर चुकी है कि फिजिकल वेरीफिकेशन करना होती है एसेट्स की अब वो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स अगर बैंक ने सिक्योरिटी के तौर पर रखे हुए हैं तो हम मांग सकते हैं उनसे या हम विजिट कर सकते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए फिजिकली तो ये चंद एक बातें जो हैं बैंक कन्फर्मेशन लेटर के अंदर मौजूद होती हैं अच्छा जी बैंक कन्फर्मेशन लेटर बड़ा टेक्निकली डिजाइन किया जाता है अब वो तमाम टेक्निक्स जो बैंक कन्फर्मेशन लेटर के अंदर मौजूद होती है मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इतना ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं आपको लेकर जाना चाह रहा लेकिन बहरहाल आपके हैंड ओवर्स में वो बैंक कन्फर्मेशन लेटर नजर आ रहा होगा आप उसको डिटेल से पढ़िएगा जो मैंने आपको गाइडलाइन अभी प्रोवाइड की है रिगार्डिंग बैंक कन्फर्मेशन लेटर उस गाइडलाइन की रोशनी में आपको तमाम बैंक कन्फर्मेशन लेटर के कंटेंट्स समझ आ जाएंगे अगर नहीं समझ आते तो डिस्कशन बोर्ड मौजूद है आपकी खिदमत के लिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज हमारे आज के टॉपिक में नेक्स्ट हमने डेटर्स बैलेंस की कंफर्मेशन के बारे में भी गुफ्तगू करनी है अब डेटर्स बैलेंस की वेरिफिकेशन में हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं उनको देखते हैं और फिर उसके बाद मैं डेटर्स कंफर्मेशन लेटर के बारे में कुछ ना कुछ बातचीत करूंगा आपके साथ तो देखिए जी हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं डेटर्स को वेरीफाई करने के लिए उनमें मौजूद नंबर वन के ओपटेन कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स इसकी डिटेल्स हम आखिर में जाकर डिस्कस करेंगे फिलहाल बाकी के पॉइंट्स में उसके बारे में बात सिंपल फिलहाल इसके बारे में इतना सा जरूर जेन में रख लीजिए कि हमें एतबार नहीं होता हम कौन है ऑडिटर कि अकाउंटेंट ने जो डेटर का बैलेंस बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो करेक्ट है हम डायरेक्टली डेटर्स को कांटेक्ट करते हैं उनसे हम कहते हैं जनाब आप बताइए कि आपने कितने पैसे हमारे इस ऑडिट क्लाइंट के देने हैं एज अ डेटर रफली एक ये कॉन्सेप्ट है डेटर्स कंफर्मेशन लेटर का इसमें मजीद भी कुछ बातें हैं वो आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ थोड़ा सा सबर फिलहाल अभी मैं मजीद जो डेटर्स बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए स्टेप्स ऑडिटर ने उठाने होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ तो देखिए जी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वी हैव टू वेरीफाई डेट्स विद रेफरेंस टू कैश रिसीव सिंस इंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईयर हैीन्स बैलेंस शीट डेट बैलेंस शीट डेट पर हमारा एक डेटर है एक लाख रुपए का जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा अब उसके बारे में हमने वेरीफाई करना है कैसे कि वो एक लाख रुपया सच्चा है या नहीं कैसे कि क्या उसके बाद उससे पैसे रिसीव हुए एक लाख रुपए या नहीं फॉलो किया पॉइंट जिस बैलेंस शीट को वेरीफाई कर रहे हैं वो हमें शो कर रही है एक डेटर का बैलेंस एक लाख रुपए का उस एक लाख रुपए के बैलेंस के बारे में हमने अगले पीरियड को देखना है उस बैलेंस शीट के बाद का पीरियड कि वो बाद में पैसे मिले कि नहीं मिले अगर मिले तो इसका मतलब वो एक लाख रुपया सच्चा है अगर नहीं मिले तो फिर परेशानी कि भाई ये डेटर एक लाख रुपया अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए इसने तो सब्सिक्वेंट हम रिसीट्स जो रिकवरीज होती हैं वो चेक करते हैं कि इन डेटर से सब्सिक्वेंटली रिकवरीज हो रही हैं या नहीं हो रही अगर नहीं हो रही तो फिर उनको डीप डिटेल में जाकर हम प्रॉप करेंगे कि भाई इनसे रिकवरीज क्यों नहीं हो रही इनको आपने क्यों खाम खामे साइड पर छोड़ा हुआ है ना चीजें आप मजीद सेल कर रहे हो ना इनसे आप रिकवरी कर रहे हो वजह फिर दरियाफ्त करेंगे और वगैरह वो फिर अगले मजीद स्टेप्स भी हैं इसके लिए तो नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं कि चेक एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटर्स लिस्टिंग यह आपको याद होगा आपने कंट्रोल अकाउंट पढ़ा था उसमें सब्सिडरी लेजर फॉर डेटर्स जिसे सेल्स लेजर के नाम से भी आपने पढ़ा था उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है सेक्शनल बैलेंसिंग के तहत अब वो जो लिस्ट बनाई जाती है उनकी एक्यूरेसी के बारे में आपने फिर अब आप देखना है उसके लिए डेफिनेटली आप वो तमाम बुक कीपिंग्स को देखेंगे और उन प्रोसीजर्स को देखेंगे कि ठीक ठीक अपनाए जा रहे हैं उस लिस्ट को अपनाने के लिए उस लिस्ट को हासिल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप आता है जी के चेक बुक इन स्मॉल सैंपल ऑफ लेजर अकाउंट्स अब बुक कीपिंग की बात आ रही है कि हमने जो वो लेजर अकाउंट्स मेंटेन की होती हैं इंडिविजुअल डेटर्स के उनमें हमने जिस बुक कीपिंग के प्रोसीजर के मुताबिक ट्रांजेक्शन को पहुंचाया है उनको चेक कर लें लाइक like, वो पोस्टिंग जो हमने की है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से सब्सिडरी लेजर इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स के अंदर उनको चेक करें क्योंकि उन पोस्टिंग्स की एक्यूरेसी ही करेक्ट बैलेंस दिलाएंगी हमें हर इंडिविजुअल का जो कि उसकी लिस्ट के अंदर मौजूद है नेक्स्ट पॉइंट है जी चेक पोस्टिंग्स एंड इंक्वायर इन टू एंट्रीज इन द कंट्रोल अकाउंट अब बात कंट्रोल अकाउंट की आ गई पहले हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे अब कंट्रोल अकाउंट की बात आ गई अब कंट्रोल अकाउंट में हमने एक तो पोस्टिंग्स को चेक करना है। वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के जो टोटल्स होते हैं उनको कंट्रोल अकाउंट में हम पोस्ट करते हैं एक तो उनको चेक करना है कि ठीक बैलेंस इधर पोस्ट हुए हुए हैं और दूसरा अगर कोई अनयूजल बात आपको नजर आ रही है तो उसको आपने फिर मजीद डिटेल में जाके देखना होगा अब अनयूजल किस किस्म की बात हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अनयूजल हो सकती है सेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस कॉन्ट्रा इस किस्म की कोई बात या फिर एक और बड़ी अनयूजल बात हो सकती है कि आपने डेटर्स को पेमेंट की हुई है हैं ये क्या बात हो गई डेटर्स को हमने पेमेंट की हाँ वो तो सकता है ऑल्दो इट इज अनयूजल क्योंकि नॉर्मली वी रिसीव कैश फ्रॉम द डेटर्स बट दे कु सरकमस्टांसिस वेन यू आर मेकिंग पेमेंट टू द डेटर्स अगर आपको पेमेंट मेड टू डेटर नजर आ रही है डेटर अकाउंट की डेबिट साइड पर तो उसको आप डिटेल में लेकर जाएं वो एक यूजल ट्रांजैक्शन है डेटर्स के लिए उसके पीछे हकीकत यह हो सकती है कि किसी डेटर ने हमें ज्यादा कैश दे दिया वो हम उसको रिफंड कर रहे हैं लेकिन इस हकीकत को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है क्या वाकई हमें ज्यादा कैश रिसीव हुआ था जो हम उसे पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये एक है डेटर के लिए इसी तरह सेटिंग ऑफ की जो मैंने बात की है डेटर एक ही वक्त में हमारा क्रेडिटर भी है उसके बैलेंस को सेट ऑफ करना भी एक अन है नॉर्मल से हटके है लिहाजा इसको भी डिटेल में लेकर जाके हम चेक करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है जी इसके अंदर रिव्यू करें पोस्ट ईयर एंड क्रेडिट नोट्स अब ये पोस्ट ईयर एंड मींस जो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है उसके बाद के क्रेडिट नोट्स अब क्रेडिट नोट के बारे में तो आपको मालूम है कि क्रेडिट नोट क्या होता है जिसके जरिए से हम अपने डेटर को एक रिलीफ देते हैं इन के अगेंस्ट लाइक like, डेटर को इनवाइस रेज की थी कि जनाब आपने इतने पैसे देने हैं अब हम उसको रिलीफ दे रहे हैं कि आपने इतने पैसे नहीं देने नॉर्मली ये सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट होता है तो अब ये एंड के बाद जो क्रेडिट नोट होंगे उनको हम चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि बोगस डेटर पहले क्रिएट किया गया और बाद में क्रेडिट नोट के जरिए से उसको रिलीफ दे दिया गया बड़े शक्की होते हैं ऑडिटर इसलिए वो छोटी छोटी चीजों को भी बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं तो क्रेडिट नोट अगर बाद में इशू किया गया तो भाई क्यों एकदम से आपको क्रेडिट नोट इशू करने का ख्याल आ गया उसके अंदर फिर वो एग्जामिन करेंगे उस सारी सिचुएशन को नेक्स्ट पॉइंट आता है जी इंक्वायर करें डेटर्स बैलेंसेस को जो के क्लियर किए गए थ्रू जर्नल एंट्रीज आफ्टर द ईयर एंड अब फिर यहां पर भी वही वाला मसला है कि डेटर्स बैलेंसेस बोगस थे उनको बाद में हमने क्लियर कर दिया जर्नल अब ये जर्नल एंट्री के जरिए से हम कैसे उसको क्लियर करते हैं जर्नल एंट्री के जरिए से क्लियर करने का मतलब आपने उसको राइट right ऑफ कर दिया आपने खत्म कर दिया कि नहीं जी ये तो बैड हो गए जनाब अब ये ईयर एंड के फौरन बाद अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि डैटर्स ही नहीं थे ये हमने डेटर्स ही गलत क्रिएट किए हुए थे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कंसीडर अनप्रोवाइडेड क्लेम्स इंक्वायर एंड रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहां पे अनप्रोवाइडेड का मतलब है कि जिनके अगेंस्ट हमने प्रोविजंस नहीं क्रिएट की हुई डैटर्स आपको मालूम है ना कि हम एजिंग करते हैं डेटर्स की एजिंग करते हैं तो पता चलता है कि इन डेटर्स से तो छह महीने हो गए पैसे नहीं अभी तक रिसीव हुए तो उनके अगेंस्ट हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं फॉर डाउटफुल डेट्स ये जी हमें डाउट है अब इनके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट की जाए तो जो एज डेटर्स होंगे ज्यादा पुराने डेटर्स होंगे उनके अगेंस्ट अगर प्रोविजंस अभी तक क्रिएट नहीं की गई तो हम उनके लिए फिर अब इंक्वायर करेंगे कि जी क्या वजह इन बलें के अगेंस्ट आपने प्रोविजन क्यों नहीं क्रिएट की नेक्स्ट पॉइंट आता है क्योंकि हम हमने अब जो प्रोविजन क्रिएट की हैं क्या वो कंप्लीट हैं देखिए यहां पर एस्टिमेशन पे बेस कर रहे होते हैं हमें कोई एडवाइस तो नहीं आती ना कि जनाब आप इतनी प्रोविजन क्रिएट करें ये अकाउंटिंग एस्टिमेशन हैं जो कि एक्सपीरियंस पर बेस करके आप कैलकुलेट करते हैं रिलायबल होनी चाहिए अब उनके रिलायबल होने के लिए आपका एक्सपीरियंस बेस करेगा जो डिफरेंट बेसिस चाहिए पास प्रैक्टिस जो है उसको आप बेस करेंगे या फिर आपने एक स्पेसिफिक डेटर के बारे में कुछ मालूमात हासिल की जिससे पता चला कि ये जनाब जो साहेब हैं ये पैसे नहीं देंगे हमें क्योंकि इनकी तो बैंक रेपी हो रही है या ये हमें मुकम्मल पैसे नहीं दे सकेंगे ये सेवेंटी परसेंट दे सकेंगे थर्टी परसेंट पैसे नहीं दे सकेंगे हमें जो इनसे रिकवरेबल ड्यूज हैं लिहाजा उनके उस थर्टी परसेंट जो हमें रिकवर नहीं होने का अंदेशा रिकवर नहीं हो सकेंगे उनकी स्पेसिफिक प्रोविजन आ जाएगी तो उनकी एक्यूरेसी और एडिक्वेसी जो है उसको हम चेक करेंगे नेक्स्ट बात आती है कंसिडर वेदर रिजल्ट ऑफ वर्क ऑन कट ऑफ अफेक्ट डेटर्स यानी कि वो जो काट ऑफ्स हैं कट ऑफ आपको डिटेल से बताए थे कि काट ऑफ्स में हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि लास्ट इनवाइस क्या है लास्ट क्रेडिट नोट नंबर क्या है लास्ट रिसीट नंबर क्या है वहां पर आप कट ऑफ लगा देते हैं कि उससे आगे नहीं तो क्या उन कट ऑफ्स की वजह से हमारे डेटर्स पर कोई इफेक्ट आ रहा है यानी कि अगर वो वगैरह तो उनकी अकॉर्डिंगली उसके अंदर अकाउंटिंग इफेक्ट्स आ चुके हुए हैं या नहीं उन चीजों को हम वेरीफाई करेंगे अब स्टेज पर और एक और इंतहा अहम पॉइंट कि हम रिव्यू करेंगे ऑडिट वर्क ऑन इनकम को क्योंकि अब इनकम की वजह से ही तो डेटर क्रिएट होते हैं इनकम रिसीवेबल होगी तो हमारे डेटर्स जो हैं वो क्रिएट होंगे लिहाजा उन इनकम्स पे जो ऑडिट वर्क हुआ हुआ है उसको भी हम रिव्यू कर लेंगे ये जी डिफरेंट पॉइंट्स थे अब मैंने आपके साथ डिस्कस करना है डेटर्स कन्फर्मेशन लेटर अब देखिए जी डेटर कंफर्मेशन लेटर के जरिए से ऑडिटर कुछ मालूम हासिल कर रहा होता है वो क्या होती हैं लाइक एडिकुएसी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर सेल्स डेटर्स एंड कलेक्शंस क्योंकि हमें अब जब डेटर भी कहेंगे कि हाँ जी वाकई हमने इतने पैसे देने हैं आपके ऑडिट क्लाइंट के तो इसका मतलब है कि हम मुतमिन हैं कि हमारे इस ऑडिट क्लाइंट ने ठीक इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश किए हुए हैं सेल्स के ऊपर डेटर्स के ऊपर कलेक्शंस के ऊपर वो वाकई जो पैसे दे चुके हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं जो देने हैं वो इनके बैलेंसेस बता रहे हैं और जितने उनसे लेने थे उतनी ही इनकम्स को उस डेटर के अकाउंट में डेबिट किया हुआ है वो तमाम बातों के बारे में हमें इंटरनल कंट्रोल के बारे में सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब डेटर्स की तरफ से एक कंफर्मेशन आ जाएगी जो कि उसके हक में जारी होगी जो अकाउंटिंग की हुई है नेक्स्ट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन जनरल एंड ऑफ कट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर बैलेंस शीट परपजेज इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ठीक मेंटेन हुए हुए में हैं इसके बारे में हमें तसली मिल जाती है फिर ये कि वो जो कट ऑफ प्रोसीजर्स हैं वो ठीक लगे हुए हैं इसके बारे में हमें तसली मिल जाती है क्योंकि कट ऑफ प्रोसीजर अगर ठीक नहीं होंगे तो कभी भी डाटर का बैलेंस करेक्ट नहीं होगा लिहाजा कट ऑफ प्रोसीजर के बारे में भी हमें तसली मिल जाती है कि ठीक है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो मेंटेन हुए हुए में हैं इनकम्स डेटर्स उससे रिलेटेड बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड सेट ऑफ सेल्स रिटर्न वगैरह इन तमाम के बारे में हम कहते हैं कि ये ठीक रिकॉर्ड हुए हुए हैं डेटर्स से कंफर्मेशन मिलने के बाद नेक्स्ट इरेगुलरिटीज सच एज टीमिंग एंड लेडिंग ओवरड्यू बैलेंसेस एंड इनकरेक्ट बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर डेटर्स हमें कह दें कि नहीं जी हमने तो पैसे दे दिए हुए हैं ये बैलेंस जो आप हमें बता रहे हैं ये तो बैलेंस हमने नहीं देना ये तो कब का क्लियर हो चुका हुआ है इसका मतलब क्या है टीमिंग एंड लेडिंग आपको मैंने बताया था ये जब हमने वो कैश के इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स पड़े थे टीमिंग एंड लेडिंग कि कैश रिसीव हो चुका लेकिन उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया उन रिसीट्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया कैश बुक के अंदर अपने जाती इस्तेमाल में ले आया वो कैशियर और कोई हफ्ते दस दिन के बाद महीने के बाद वो उस कैश में शो कर दिया और काजी नहीं जी मैं तो सच्चा हूं मैंने तो कैश जो है वो कौन सा कोई खाया है आपको कैश तो दे दिया हालांकि पूरा महीना वो कैश अपना इस्तेमाल करता रहा टीमिंग एंड लेडिंग तो हमें जब डेटर कंफर्म कर देता है बैलेंस तो इसका मतलब है कि टीमिंग एंड लीडिंग नहीं हुई भी बैलेंस इज दुरुस्त है और अगर डेटर कहता है कि नहीं तो इसका मतलब है टीमिंग एंड लीडिंग हुई भी है अच्छा इन तमाम बातों से ऑडिटर अब ओपिनियन क्या अखज करता है वो है नंबर वन के रिलायबिलिटी ऑफ डेटर्स बैलेंस के डेटर्स बैलेंस रिलायबल हैं या नहीं और नंबर दो क्वांटम एंड नेचर ऑफ डिस्प्यूट एग्जिस्टिंग बिटवीन द कंपनी यानी कि हमारा ऑडिट क्लाइंट एंड इट्स कस्टमर यानी कि वो डेटर्स ये ऑडिटर का ओपिनियन ड्रॉ होता है कंफर्मेशन लेटर के जवाब में जब उसको कुछ चीजें मालूम होती हैं तो या तो वो कहता है कि जी बैलेंसिस ठीक है ओवर ड्यू नहीं है करेक्ट बैलेंसिस हैं या बैलेंसिस ठीक नहीं है एंड हुई है वगैरह वगैरह और फिर उसको पता चल जाता है कि हमारे ऑडिट क्लाइंट यानी कि ऑडिटर को पता चल जाता है कि मेरे उस ऑडिट क्लाइंट और उसके डेटर के माबहन किस किस्म के अख्तिलाफा हैं अच्छा जी अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि कन्फर्मेशन लेटर की दो किस्में हैं एक पॉजिटिव मेथड के जरिए कंफर्मेशन हासिल करना और दूसरा नेगेटिव मेथड के जरिए कंफर्मेशन हासिल करना अब ये पॉजिटिव मेथड के जरिए और नेगेटिव मेथड के जरिए डेटर से कंफर्मेशन हासिल करने का क्या मतलब है देखिए जी जो पॉजिटिव मेथड के जरिए हम डेटर से कंफर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं उसमें हम हम कौन है डेटर ऑडिटर्स ऑडिटर्स ठीक है हम ऑडिटर्स डेटर से कंफर्मेशन ले रहे हैं हम कहते हैं कि जी आप हमारे ऑडिट क्लाइंट के डेटर हैं आप बताइए कि इतना बैलेंस हमारे उस ऑडिट क्लाइंट के लेजर में आपकी तरफ आउटस्टैंडिंग है क्या इतने पैसे आपने देने हैं यस और नो इफ नॉट तो आप बताइए कि आपने कितने पैसे देने हैं ये पॉजिटिव मेथड है कन्फर्मेशन हासिल करने का आई रिपीट मैं ऑडिटर हूँ मैंने अपने ऑडिट क्लाइंट के डेटर को ख़त लिखना है कि जी मेरे ऑडिट क्लाइंट के लेजर में आपके जुमा एक लाख रुपया देना है क्या आपने एक लाख रुपया देना है मेरे ऑडिट क्लाइंट का इफ यस प्लीज बता दीजिए कि हां जी देना है इफ नॉट तो भी आप बता दीजिए कि आपने अगर एक लाख नहीं देना तो कितना पैसा आपने देना है पॉजिटिव कन्फर्मेशन दूसरी तरफ आ जाए नेगेटिव मैथड ऑफ कन्फर्मेशन लेटर क्या नेगेटिव ये आप इस तरह से उस लेटर को ड्राफ्ट करते हैं जी हमारे ऑडिट क्लाइंट के लेजर में आपके जुमा एक लाख रुपया देना लिखा हुआ है अगर तो ये एक लाख रुपया देना ठीक लिखा हुआ है तो आप हमें कोई जवाब मत दीजिए हाँ अगर ये एक लाख रुपया जो आपकी तरफ आउटस्टैंडिंग है ये रकम गलत लिखी हुई है तो आप हमें बता दीजिए तो इसका मतलब है कि नेगेटिव मेथड की सूरत में अगर डेटर की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि वो बैलेंस ठीक है जो कि लेजर में मौजूद है और अगर गलत होगा तो डेटर जो होगा वो आपको बता देगा कि नहीं जनाब ये एक लाख रुपया नहीं मैंने तो अस्सी हजार रुपया देना है मैंने तो सत्तर हजार देना है। या मैं तो मुकम्मल का मुकम्मल दे चुका हूं मेरा तो जुमा कोई बैलेंस नहीं है नेगेटिव मेथड ऑफ डायरेक्ट कंफर्मेशन है फ्रॉम द डेटर अच्छा ये दोनों मेथड्स अपनाने की जरूरत क्यों पेश आती है देखिए अगर ऑडिटर रिलाय कर रहा है इंटरनल कंट्रोल पर वो समझता है कि इंटरनल कंट्रोल जो है ये परफेक्ट है मेरे ऑडिट क्लाइंट का तो वो फिर नेगेटिव मेथड भेजेगा नेगेटिव मेथड के तहत कंफर्मेशन लेटर भेजेगा डॉक्टर को क्योंकि उसको पता है कि जी मेरा इसके मेरे ऑडिट क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल बहुत दुरुस्त तरीके से चल रहा है और इसे मैं वेरीफाई कर चुका हूं मैं सेटिस्फाइड हूं तो एक लेटर भेज दो अगर कोई डिसएग्रीमेंट होगा तो कोई खुद ही मुझे बता देगा मुझे डिसएग्रीमेंट वाले लेटर ही सिर्फ पढ़ने पड़ेंगे मुझे तमाम लेटर्स नहीं पढ़ना पड़ेंगे लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल पर रिलायंस नहीं है ऑडिटर का तो वो फिर पॉजिटिव मेथड के तहत कंफर्मेशन लेटर भेजेगा उस डेटर को ये दोनों सूरतों में अगर है तब भी नहीं है तब भी हमें पता चलना चाहिए एक बात दूसरी बात ये कि अगर नंबर ऑफ डेटर्स बहुत ज्यादा होंगे फिर पॉजिटिव अगर मेथड के तहत कंफर्मेशन करना चाहेगा तो फिर तो ऑडिटर साहब जनाब तमाम लेटर्स के जवाब ही पढ़ते रहेंगे कि जी हां जी हां जी हां जी नहीं जी हां जी हां जी हां जी नहीं जी हां जी हाँ जी हां जी नहीं कोई एक जी नहीं आएगा बाकी जी हां को भी उसको पढ़ना पड़ेगा तो नेगेटिव मेथड के तहत उसको जब जवाब आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जी नहीं का जवाब आएगा जी हां का जवाब नहीं आएगा वो अंडरस्टूड होगा बात को फॉलो कर रहे हैं यहां पर कुछ डिस्टिंक्शन के पॉइंट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं मामला आपको नेगेटिव और पॉजिटिव मेथड का मजीद क्लियर हो जाएगा नंबर वन पॉजिटिव मेथड के तहत ऑडिटर चाहता है कि उसको जवाब जरूर मिले भले नेगेटिव हो भले पॉजिटिव भले एग्री करता हो भले एग्री ना करता हो जबकि नेगेटिव मेथड के तहत अगर डिसएग्रीमेंट हो तो जवाब मिले डेटर से ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट पॉजिटिव कंफर्मेशन मेथड के तहत अगर ऑडिटर को जवाब रिसीव नहीं होता तो वो अदर प्रोसीजर्स अडॉप्ट करता है वो अभी मैं अदर प्रोसीजर्स आपको बताऊंगा जबकि नेगेटिव मेथड के तहत अगर डेटर से रिप्लाई रिसीव नहीं होता तो अज्यूम किया जाता है कि बैलेंस दुरुस्त था तीसरा पॉइंट पॉजिटिव कंफर्मेशन मेथड उस वक्त अपनाया जाता है या प्रेफर किया जाता है जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर ऑडिटर सेटिसफाई नहीं होता जबकि नेगेटिव कंफर्मेशन उस वक्त प्रेफर किया जाता है मेथड जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे वो सेटिस्फाइड होता है और लास्ट पॉइंट पॉजिटिव कंफर्मेशन मेथड हम उस वक्त यूज करते हैं अगर कोई सिग्निफिकेंट डेटा का बैलेंस हमने कंफर्म करना हो जिसका जवाब जरूर मिलना चाहिए हमें कोई तो बड़ी अमाउंट है और नेगेटिव कंफर्मेशन मेथड हम उस वक्त यूज करते हैं जब बेशुमार छोटे छोटे अमाउंट के बैलेंसेस हों उनको हमने कंफर्म करना ये डिस्टिंक्शन थे जी पॉजिटिव मेथड और नेगेटिव मेथड की अब बात आती है पॉजिटिव मेथड में अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती तो अब ऑडिटर क्या करेगा क्योंकि मुमकिन है ना कि पॉजिटिव मेथड में भी उसने जो कंफर्मेशन लेटर भेजा उसके अगेंस्ट जवाब नहीं आया हालांकि आना चाहिए था अब वहां पर सिर्फ दो पॉइंट्स जहन में रख लें एक तो ये कि ऑडिटर अब सब्सिक्वेंट रिकवरी को चेक करे कि जो बैलेंस है क्या सब्सिक्वेंटली रिकवर हो रहा है अगर तो हो रहा है तो इसका मतलब है कि ओके कोई एड्रेस वेस गलत होगा जिस पर सही नहीं पहुंचा होगा या कोई और वजह होगी होगी जिसकी वजह से हमें जवाब नहीं मौसूल हुआ होगा पैसे उसको सब्सिक्वेंटली जब वापस मिल गए डेटर से तो इसका मतलब है डेटर वॉज जेनवन अगर नहीं तो फिर मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखे और कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करे अब यहां पर थोड़ी सी परेशानी लाहक हो सकती है कि डेटर्स गलत हैं वहां पर फिर सेल्स ऑर्डर प्रॉपर चेक करे इन्वाइसिस प्रॉपर चेक करे प्रॉपर डिटेल में जाए एक एक चीज को प्रॉब करे कि क्या वाकई ये डेटर बनता है इस एंटिटी का के नहीं इफ येस yes तो ठीक है इफ नॉट तो फिर आप उसे कहेंगे जनाब आपका डाटा ठीक नहीं है सही जी ये जनाब डेटर्स के बारे में ले जी दैट्स ऑल फॉर द डे आज हमने डेटर्स बैलेंस को कंफर्म करना सीखा और बैंक बैलेंसेस को कंफर्म करना सीखा मुझे उम्मीद है आपको ठीक समझ आ गई होगी ये कंफर्मेशन लेटर्स बहुत अहम हैं प्रैक्टिकल ऑडिट में भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है जी इसकी तैयारी कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़